बिल्कुल, चलिए बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपने दिए, तो सबसे पहले तो इन सभी सवालों को जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ 2-4 मिनट और आपके लूंगा, क्योंकि तो वैसे तो आपका समय बहुत ज्यादा है, बिजी शेड्यूल है आपका। तो अभी कुछ पर्सनल सवालों में, जैसे कुछ बहुत सारे सवाल आप पर उठते हैं, खासकर एक जो सवाल जो मैंने देखा काफी सारे लोग पूछना चाहते थे, क्योंकि आप ही एक इकलौते इंसान जो खासकर दिख रहे हैं कि क्रांतिकारी रूप से समाज सेवा में बहुत सारे लोगों द्वारा रोके जाने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह की सेवाएं आप बिल्कुल निशुल्क दे देते हैं वो शायद कोई कम पैसों में भी नहीं दे सकता, वो सब कल्पना जैसी बातें लगती है। आपने इतने सारे पेशेंट को, चाहे वो अहमदनगर में वैसे ठीक किया या इंदौर में भी आप कर रहे हैं, उसके अलावा भी नाइस एक्सपर्ट के थ्रू आपने 60,000 से ज्यादा लोगों को ठीक किया, तो वो भी निःशुल्क सेवा दे करके। तो ऐसे में इतनी सारी निःशुल्क सेवा समाज को आप दे रहे हैं, तो इन सब कार्य करने के लिए बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, कितना सारा पैसा आता कहाँ से है डॉक्टर बीआरसी सर पर, कौन करता है आखिरकार उनको ऐसा फंड? हाँ देखिए, इसमें क्या कि मैंने निशुल्क कोई भी सेवा नहीं दी एक्चुअली, वो तो लोगों ने दिया। फॉर एग्जांपल अभी आपने जो ये हमारी जो जूम मीट भी है, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, तो ये भी आपने निशुल्क किया, तो आपके माध्यम से भी मैं लोगों तक पहुंचा। ठीक इसी तरह से जो 60,000 60,000 जो पेशेंट ठीक हुए, वो मैंने डायरेक्टली पेशेंट तक नहीं पहुंचा। हमारे जो 750 नाइस एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने अपने अलग अलग शहरों में रहते हैं, जो अपना अपना काम करते हैं, उन लोगों ने अपनी सेवाएं दी, उन लोगों ने अपना टाइम दिया, उन्होंने फोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या फिजिकली जाके पेशेंट से मिले और उन्होंने ठीक किया। तो इसमें भी उनका पैसा, उनका समय लगा, ना कि मेरा लगा देखा जाए तो। अभी जो इंदौर में सेंटर है, वहाँ गुरुद्वारा कमेटी ने सपोर्ट किया। गुरुद्वारा कमेटी की जो 500 बेड का पूरा एक जगह है, वो उन्होंने दिया, वही मेंटेन करते हैं, वही पैसा लगाते हैं। अहमदनगर में भी जो है, वो ऐसा दिखता है कि वो फ्री में है और मैं फ्री में कर रहा हूँ। फ्री में तो है वो, लेकिन उसमें जो सारा कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ के जो एमएलए हैं, एमएलए ऑनरेबल नीलेश लंके जी, उनकी वजह से। तो होता क्या है कि जब आप एक अच्छे मिशन को लेकर चलते हैं, तो इस समाज में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, तो वो जुड़ते जाते हैं। और कई बार ऐसे ज्यादातर लोग होते हैं जिनको कोई नाम से मतलब नहीं, वो काम करके बताते भी नहीं चुपचाप। तो यहाँ पे किस्मत ऐसी कि नाम हमारा हो रहा है, लेकिन काम पीछे से लोग जुड़ के करते जा रहे हैं, और वो बताते भी नहीं कि वो कर रहे हैं, लेकिन करते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इनविजिबल लोग और भी होंगे जिन्होंने अपना अपना काम अपना अपना कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हम आज आराम से काम कर पा रहे हैं, इतने सारे लोग जो अपोज में, उसके बावजूद भी। इससे इसका मतलब कि हिडन में बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी हैं, और लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला कर रहा हूँ। मैं अकेला नहीं कर सकता, इनफैक्ट कोई भी इंसान अकेला नहीं कर सकता। हाँ, शुरुआत जरूर की हमने, और अभी जो हम लगातार कर पा रहे हैं, तो ये उन्हीं लोगों की मदद की वजह से कर पा रहे हैं। तो ये फंड लोग कर रहे हैं, आपस में ही कर रहे हैं, और अल्टीमेटली पेशेंट तक लाभ पहुंच रहा है। आपने देखा भी कि पिछले इतने सालों में हमने कभी भी कोई फंड के लिए कोई ऐलान नहीं किया, और कोई अगर डोनेशन लेना चाहता है, हमने मना मना किया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम अगर लेंगे तो भी हम पेशेंट के लिए खर्च करेंगे, लेकिन वैसे भी तो हमारे जो सपोर्ट में लोग हैं, चाहे नाइस एक्सपर्ट्स हैं, चाहे अहमदनगर की टीम है, चाहे जयपुर की टीम है, हमारे अलग अलग से अकोला की टीम है, इंदौर की टीम है, जहां जहां है, गाजीपुर बॉर्डर में हमारे सेंटर चल रहे हैं, और अभी टिकरी बॉर्डर में आजकल में सेंटर वहां खुल जाएगा वहां के किसानों के लिए। तो ये सारे जो ये खुलते जा रहे हैं, वो वहां पे ऑलरेडी लोग अपने अपने पैसे, अपने किसी ना किसी रूप में, समय के रूप में, या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, वो कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, तभी ये चल रहा है। और मुझे लगता है कि रिवोल्यूशन जब आता है, वो ऐसे ही आता है, वो एक इंसान के बस की बात नहीं। शुरू एक इंसान कर सकता है, चेहरा एक इंसान हो सकता है, लेकिन वो एक इंसान कर रहा है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं, हाँ मैं चेहरा हूँ, मैंने शुरुआत किया, मैंने कुछ आपको बताया, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शानदार, और ऐसे ही प्रेरणा बनते रहिए हमारी। बाकी का आपका समय देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।